आखिरी गेंद पर टीम इंडिया को जीत के लिए चाहिए थे 6 रन, लेकिन फिर हुआ ये चमत्कार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। भारत और वेस्ट इंडीज़ के बीच खेले गए T20 मुकाबला बेहद ही रोमांचक मोड पर ख़त्म हुआ, जहां पर आखिरी गेंद पर टीम इंडिया को जीत के लिए 6 रनों की जरूरत थी, लेकिन फिर मैदान पर ऐसा हुआ जिसे भारतीय फैंस को उम्मीद नहीं थी। तो दोस्तों, हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी चाहते कि टीम इंडिया T20 सीरीज में शानदार परफॉर्मेंस करके बेहतरीन जीत दर्ज करें, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट। तो दोस्तों, आज के मुकाबले में सिक्का उछाला रोमन पावेल ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। टॉस जीतकर उन्होंने पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया टीम इंडिया को। दोनों टीमें काफ़ी शानदार प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतर रही थी। टीम इंडिया की तरफ से मुकेश कुमार का डेब्यू था, तो यूजी चहल की वापसी थी, तो साथ ही तिलक वर्मा का भी डेब्यू था। दोनों टीमें T20 ट्रॉफी को जीतने के मकसद से मैदान पर उतरी। दोनों टीमें अपने अपने देश के नेशनल एंथम के साथ इस मुकाबले की शुरुआत हुई। तो दोस्तों, वेस्ट इंडीज़ की तरफ से काइल मायर्स और ब्रेंडन किंग पारी की शुरुआत करने उतरे, तो पहले ओवर की तीसरी गेंद पर हर्षदीप सिंह की गेंद को शानदार तरीके से आउट साइड एज के जरिए 4 रनों के लिए भेजा ब्रेंडन किंग ने। तो वहीं पर इसके बाद दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर शानदार शॉट खेलते हुए मिडॉन के ऊपर से 4 रनों के लिए भेज दिया ब्रेंडन किंग ने। तो वहीं पर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी उन्होंने एक और शानदार शॉट खेला और बेहतरीन चौका जड़ दिया। वहीं पर दोस्तों, इसके बाद तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पर ब्रेंडन किंग के बल्ले से फाइन लेग की तरफ एक शानदार चौका देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद पारी का पहला छक्का चौथे ओवर की चौथी गेंद पर देखने को मिला, जहां पर डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार 6 रनों के लिए भेज दिया गेंद को ब्रेंडन किंग ने। लेकिन इसके बाद 5वें ओवर की पहली गेंद पर यूजी चहल ने आते ही पेवलियन भेजा काइल मायर्स को और भारतीय टीम को पहली सफलता दिला दी। काइल मायर्स इस मुकाबले में 7 गेंदों पर सिर्फ 1 रन बनाकर चलते बने। तो वहीं पर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर यूजी चहल ने ब्रेंडन किंग को भी LBW आउट करके पेवलियन भेज दिया। ब्रेंडन किंग अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 19 गेंदों पर 28 रन बनाकर वो भी युजवेंद्र चहल का शिकार बने। तो वहीं पर इसके बाद निकोलस पुरन क्रीज पर उतरे, तो उन्होंने आते ही 5वें ओवर की चौथी गेंद पर एक बेहतरीन चौका मिडॉप की तरफ लगाया और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार छक्का लॉन्ग के ऊपर से देखने को मिला और उन्होंने आते ही ताबड़तोड़ शुरुआत कर दी। इसके बाद 6वें ओवर की चौथी गेंद पर भी उन्होंने अक्षर पटेल की गेंद को शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा और डीप मिड विकेट के ऊपर से 92 मीटर का शानदार छक्का जड़कर अपनी तूफानी बल्लेबाजी का आगाज कर दिया। 5 गेंदों पर अब 18 रनों पर पहुंच चुके थे निकोलस पुरन। इसके बाद दोस्तों, उन्होंने 6वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी एक और शानदार चौका डीप मिड विकेट की तरफ लगाया। वहीं पर इसके बाद दोस्तों, यहां पर 8वें ओवर की तीसरी गेंद पर कुलदीप यादव ने टीम इंडिया को तीसरी सफलता दिलाई। उनकी एक शानदार गेंद पर जॉनसन चार्ल्स बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन तिलक वर्मा के कमाल के कैच ने उन्हें पेवलियन भेजा और भारतीय टीम को तीसरी सफलता दिला दी। इस मुकाबले में जॉनसन चार्ल्स भी ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए और 6 गेंदों पर सिर्फ 3 रन बनाकर कुलदीप यादव का शिकार बने। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर रोमन पावेल ने 11वें ओवर की तीसरी गेंद पर हार्दिक पंड्या की गेंद पर शानदार चौका जड़ा। तो वहीं पर उन्होंने 12वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी कुलदीप यादव के एक शानदार चौका लॉन्ग ऑफ के ऊपर से लगाया। ये उनके बल्ले से कमाल का शॉट देखने को मिला। लेकिन इसके बाद दोस्तों, शानदार बल्लेबाजी कर रहे निकोलस पुरन को 15वें ओवर की पहली गेंद पर तिलक वर्मा के हाथों कैच करवाकर हार्दिक पंड्या ने पेवलियन भेजा और 34 गेंदों पर 41 रन बनाकर निकोलस पुरन पेवलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर नए बल्लेबाज के तौर पर सिमरन हेटमार आए, तो उन्होंने आते ही पहली गेंद पर शानदार चौके के साथ अपना खाता खोला। स्वीपर कवर की तरफ उन्होंने गेंद को 4 रनों के लिए भेजा। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर 15वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक कमाल का छक्का देखने को मिला रोमन पावेल के बल्ले से। तो वहीं पर इसके बाद 16वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी उन्होंने यूजी चहल की गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक कमाल का छक्का जड़ दिया और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा।
वहीं पर उसके बाद दोस्तों 17वें ओवर की पहली गेंद पर अर्शदीप सिंह की गेंद पर एक शानदार चौका बैकवर्ड पॉइंट की तरफ लगाया रोमन पावेल ने और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजने में कामयाब हुए। तो वहीं पर उन्होंने 17वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक शानदार छक्का डीप मिड विकेट के ऊपर लगाया और गेंद को 91 मीटर दूर भेजा। लेकिन दोस्तों 19वें ओवर की पहली गेंद पर अर्शदीप सिंह ने शानदार तरीके से कैच वॉक करवा कर हेटमायर को पेवलियन भेजा। अक्षर ने उनका बेहतरीन कैच पकड़ा। इसके बाद दोस्तों 19वें ओवर की 5वीं गेंद पर रोमन पावेल को भी पेवलियन भेजा अर्शदीप सिंह ने और यहां पर बेहतरीन कैच सूर्य कुमार यादव ने पकड़ा और 32 गेंदों पर 48 रन बनाकर चलते बने रोमन पावेल भी। इसके बाद दोस्तों वेस्ट इंडीज़ की टीम आखिरी 3 ओवर में कोई भी चौका नहीं लगा पाई, जिसके चलते 20 ओवर में 149 रन बना पाई 6 विकेट के नुकसान पर। टीम इंडिया की तरफ से अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल, हार्दिक पांड्या और कुलदीप यादव की गेंदबाजी शानदार रही। वहीं पर इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे ईशान किशन तो उनके साथ थे शुभमन गिल। लेकिन दोस्तों भारतीय टीम की शुरुआत बेहद ही धीमी रही और शुरुआती 2 ओवरों में सिर्फ 5 ही रन बने, जबकि तीसरे ओवर की दूसरी ही गेंद पर अकील हुसैन की गेंद पर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे शुभमन गिल, लेकिन उनको निकोलस पुरन ने स्टंपिंग करके पेवलियन भेजा और वो 9 गेंदों पर सिर्फ 3 रन बनाकर आउट हुए और टीम इंडिया को पहला झटका तीसरे ओवर में ही लग गया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नए बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव क्रीज पर उतरे तो उन्होंने आते ही तीसरे ओवर की 5वीं गेंद पर एक बेहतरीन चौका मिड विकेट बाउंड्री लाइन की तरफ लगाया और गेंद को 4 रनों के लिए भेजा। इसके बाद दोस्तों यहां पर सूर्य कुमार यादव ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए चौथे ओवर की पहली गेंद पर भी एक बेहतरीन चौका जड़ा। तो वहीं पर इसके बाद चौथे ओवर की ही आखिरी गेंद पर उनके बल्ले से एक और कमाल का शॉट देखने को मिला और इस बार उन्होंने डीप पॉइंट की तरफ एक शानदार छक्का जड़ा और 65 मीटर का ये शानदार छक्का था और इस ओवर में टीम इंडिया ने 12 रन बटोर लिए सूर्य कुमार यादव के दम पर। इसके बाद 5वें ओवर में ईशान किशन ने चौथी गेंद पर एक शानदार चौका लगाया, लेकिन दोस्तों इसी ओवर की 5वीं गेंद पर वो अपना विकेट गंवा बैठे और टीम इंडिया को दूसरा झटका लगा। ईशान किशन भी 9 गेंदों पर सिर्फ 6 ही रन बना पाए और मैकॉय का शिकार बने। इसके बाद डेब्यू कर रहे तिलक वर्मा क्रीज पर उतरे तो उन्होंने दोस्तों छठे ओवर की तीसरी गेंद पर अल्जारी जोसेफ की गेंद को मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर उन्होंने एक और शानदार छक्का जड़ा और इस बार भी गेंद को शानदार तरीके से ग्राउंड के बाहर भेजकर एक और छक्का लगाया। इसके बाद उनके बल्ले से 8वें ओवर की चौथी गेंद पर तीसरा छक्का लॉन्ग ऑफ के ऊपर से देखने को मिला, यह भी कमाल का शॉट था। तिलक और सूर्या ने टीम इंडिया को इस मुकाबले में फेवरेट बना दिया था। तभी दोस्तों यहां पर 8वें ओवर की 5वीं गेंद पर तिलक ने एक और चौका लगाया, लेकिन इसके बाद सूर्य कुमार यादव 10वें ओवर की दूसरी गेंद पर सिमरन हेटमायर को अपना कैच थमा बैठे और 21 गेंदों पर 21 रन बनाकर वो पेवलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों तिलक वर्मा ने 11वें ओवर की चौथी गेंद पर एक और शानदार चौका बैकवर्ड पॉइंट की तरफ लगाया, ये भी एक कमाल का शॉट था, लेकिन इसके बाद इसी ओवर की आखिरी गेंद पर वो एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर वो अपना कैच थमा बैठे सिमरन हेटमायर को और टीम इंडिया को एक और बड़ा झटका दिया रोमारियो सेपर्ट ने और पेवलियन भेज दिया टीम इंडिया के डेब्यूटन शानदार बल्लेबाजी कर रहे तिलक वर्मा को। तिलक ने इस मुकाबले में 22 गेंदों पर 39 रनों की शानदार पारी खेली। उनके आउट होने के बाद हार्दिक पांड्या ने 12वें ओवर की आखिरी गेंद पर अल्जारी जोसेफ की गेंद को एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के पार एक बेहतरीन कवर ड्राइव के जरिए भेजा और शानदार चौका लगाया। इसके बाद उन्होंने 13वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को स्क्वायर लेग की तरफ स्वीप के जरिए 4 रनों के लिए भेज दिया और एक और शानदार चौका उन्होंने लगाया, जबकि दोस्तों 13वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक बार फिर हार्दिक पांड्या के बल्ले से शानदार चौका देखने को मिला। इसके बाद यहां पर 15वें ओवर की आखिरी गेंद पर संजू सैमसन ने भी कमाल का शॉट खेलते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को 81 मीटर दूर स्टैंड में डिपॉजिट किया और शानदार छक्का जड़ दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों 16वें ओवर की पहली गेंद पर जेसन होल्डर ने चलता किया हार्दिक पांड्या को, हार्दिक को उन्होंने बोल्ड करके पेवलियन भेजा। काफ़ी शानदार बल्लेबाजी जरूर कर रहे थे हार्दिक पांड्या, लेकिन होल्डर ने यहाँ पर मुकाबले को बदल दिया उन्हें आउट करके और 19 गेंदों पर 19 रन बनाकर आउट हुए हार्दिक पांड्या। तो वहीं पर इसके बाद क्रीज पर अक्षर पटेल उतरे तो उन्होंने 16वें ओवर की तीसरी गेंद पर
एक रन लेना चाहते थे लेकिन गेंद सीधे चली गई मायर्स के हाथों में और उन्होंने डायरेक्ट हिट के चलते पेवलियन भेजा संजू सैमसन को, जिन्होंने 12 गेंदों पर 12 रन बनाए। लेकिन संजू का आउट होना टीम इंडिया के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इसके बाद 18वें ओवर की 5वीं गेंद पर अक्षर पटेल के बल्ले से एक कमाल का शॉट देखने को मिला, जहाँ पर उन्होंने डाउन द ग्राउंड गेंद को 6 रनों के लिए भेज दिया स्ट्रेट और कमाल का छक्का जड़ा। लेकिन इसके बाद 19वें ओवर की पहली गेंद पर वो एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे लेकिन यहाँ पर सिमरन हेटमायर को अपना कैच थमा बैठे और 11 गेंदों पर 13 रन बनाकर अक्सर बीच चलते बने। इसके बाद तो भारतीय टीम की जीत की उम्मीदें तो काफ़ी कम हो गई लेकिन 19वें ओवर की 3री गेंद पर अर्शदीप सिंह ने एक बेहतरीन चौका जड़ा और इस चौके के जरिए यहाँ पर भारतीय टीम की उम्मीदें जागी, क्योंकि इसकी अगली ही गेंद पर उन्होंने एक और चौका एक्स्ट्रा कवर की तरफ लगा दिया। अब भारतीय टीम यहाँ पर आखिरी ओवर में पहुँच चुकी थी, जहाँ टीम इंडिया को आखिरी ओवर में मुकाबला जीतने के लिए 10 रनों की जरूरत थी और यहाँ पर स्ट्राइक पर थे कुलदीप यादव। लेकिन दोस्तों रोमारियो सेपर ने पहली गेंद पर कुलदीप यादव को बोल्ड करके पेवलियन भेज दिया। अब भारतीय टीम को 5 गेंदों पर 10 रनों की जरूरत थी। नए बल्लेबाज यहाँ पर क्रीज पर उतरे यजवेंद्र चहल, लेकिन वो एक रन लेकर स्ट्राइक पर अर्शदीप सिंह को ले आए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि टीम इंडिया मुकाबले को जीत सके क्योंकि 5वीं गेंद पर अर्शदीप सिंह भी रन आउट हो गए। इसके बाद आखिरी गेंद पर टीम इंडिया को मुकाबला जीतने के लिए 6 रन चाहिए थे और क्रीज पर अब आ चुके थे मुकेश कुमार, लेकिन मुकेश कुमार इस गेंद पर छक्का नहीं लगा पाए और सिंगल ही ले पाए, जिसके चलते टीम इंडिया इस मुकाबले में 4 रनों से पीछे रह गई और वेस्ट इंडीज़ की टीम ने 149 रनों को डिफेंड करके एक शानदार जीत दर्ज की। तो दोस्तों आपको क्या लगता है टीम इंडिया की हार का सबसे बड़ा कारण क्या है? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।